यहाँ पर सिर्फ ये बैग और ये गुड़िया मिली है। बैग के अंदर क्या है? सर सारी ऐसी टूटी फूटी गुड़िया ही है। Yeah, you think? Charlie, what are you doing? जोकर का हत्यारा कौन है? What's wrong with you? What happened to you, Charlie? जी हाँ, एक कच्ची सुनसान सड़क जहां पर कोई आता जाता नहीं है, वो रात को करीब 1 बजे एक लाश मिलती है और लाश किसी और की नहीं, एक जोकर की थी। जोकर? Yes, ma'am. पुलिस को कालियानगर के पास वाले कच्चे रास्ते से एक लाश मिली है, एक जोकर की लाश, पर उसके कातिल का अभी तक पता नहीं चला। एक्सक्यूज मी, हेलो, या जी, हाँ हाँ नहीं, आप जरूर आ जाइए। वहां से आपको राइट लेना पड़ेगा और लेफ्ट में आपको बिल्डिंग दिखेगी। या दैट्स राइट। मैम किसका फोन था, कोई आ रहा है क्या? या कोई सोनाली का फोन आया था आज दोपहर को, किसी केस के सिलसिले के बारे में मिलना चाहती है। नमस्ते सोनाली, राइट? जी प्लीज कम, हैव अ सीट, आइए। बताइए सोनाली, सो व्हाट हैपेंड? जी आलोक है, मेरे हस्बैंड के छोटे भाई। हेलो। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया है, पर किस जुर्म में? मर्डर के जुर्म में। मर्डर? पर किसका? हमारी मेड लक्ष्मी के मर्डर के जुर्म में। हमारी घर की खिड़की से गिरकर उसकी मौत हो गई और इसका पूरा का पूरा इल्जाम मेरे पति पर आ गया। आप प्लीज रोइए मत, आप मुझे साफ साफ बताइए कि हुआ क्या। हमारे घर में पार्टी थी, सारे के सारे गेस्ट मौजूद थे वहां पर। काफी अच्छा लगा तुम्हें इतने टाइम बाद देख के। एंड हाउ यू डूइंग? लास्ट वीक यूके गया था, तब मुलाकात हुई थी राजीव से। ही इज गुड। वैसे काफी वक्त हो गया, मेरी भी उससे बात नहीं हुई। लक्ष्मी एक ग्लास रखो और एक और ड्रिंक लेकर। जी साहब। तो क्या कह रहा था वो? Anything? I'm about business and so how's your business? Yes. सब अच्छा चल रहा है? Yeah. Okay. Stupid ये! ये क्या किया तुमने? मेरी शर्ट खराब कर दी। Stupid. Sorry साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो उनका हाथ। Just shut up. गलती खुद करती हो, इल्जाम किसी और पे लगाती हो, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। Gentlemen, excuse me, I'll be back in 2 minutes. लक्ष्मी तुम टेंशन मत लो, तुम जानती हो ना साहब कितने गुस्से वाले हैं। एक काम करो, जाओ अभी जाके उनको सॉरी बोल दो। नहीं दीदी। अरे लक्ष्मी जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूं ना, जाओ। तभी अचानक हमने वहां पे एक चीख की आवाज सुनी, हम लोग फौरन घर से बाहर निकले तो देखा कि लक्ष्मी की लाश पड़ी हुई थी। हमने पुलिस को फोन किया और पुलिस लक्ष्मी की लाश को लेकर चली गई। उसके बाद पुलिस दोबारा हमारे घर पहुंची मेरे हस्बैंड को गिरफ्तार करने के लिए। मैंने पूछा भी कि क्या वजह है, आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, पर पुलिस ने कोई ठीक ठीक जवाब नहीं दिया हमको। बोले कि जो भी पूछना है पुलिस स्टेशन में आके पूछो। देखिए डोंट वरी, हम आपका केस सही तरीके से स्टडी कर कर ही लड़ेंगे। या थैंक यू सो मच सुहाना, देखिए मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। डोंट वरी, दैट्स माय जॉब। या थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। जलेबी लेकर आऊं? चाली शट अप एंड सिट डाउन। मान
साले अभी तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब नहीं है, क्या चक्कर है? तुम फोन करके पूछ लो ना, तुम्हारे तो बेस्ट फ्रेंड है। मैडम आप कितनी फनी है, जो भी नाक फुला के मारती है। वैसे सर आज हम किस मुद्दे से शुरुआत करेंगे? शुरुआत तो पीपी करेंगे, खत्म हम करेंगे। पीपी? पीपी कौन? वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पैपे करते रहते हैं। Please be seated. भाई कहाँ है वीके? सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब सुबह से दिख नहीं रहे, लगता है वीके का खौफ बढ़ता जा रहा है। अरे भाई तुम्हारा खौफ तो पूरे शहर में फैल चुका है, सुबह तो मैं भी सोच रहा था घर से निकलूं के नहीं, वीके से डर लगता है। ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको डराने से पहले तो मैं खुद डर जाऊंगा। आप तो सर हमारे दोस्त है, हमारे गुरु है। अरे भाई क्या बात है, वाह वाह वीके, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। अरे मैं इसी बात पे एक अच्छा ताजा ताजा शेर हो जाए। हाँ बिल्कुल नहीं सर। क्या? नहीं नहीं मेरा मतलब है क्यों नहीं सर। गलती दबा के रखा ना, निकल गया। अच्छा भाई अब जब दोस्त और गुरु मान ही लिया है तो फिर सुनी लो। हाँ सर। हाँ तुम लाजा फरमाइए। मेरे दिल की है एक कंडीशन जिसमें नहीं किसी को परमिशन, मेरे दिल की है एक कंडीशन जिसमें नहीं किसी को परमिशन, सिर्फ तुमको है एडमिशन, वो भी विदाउट डोनेशन। क्या बात, कहाँ ले गया बात को, एकदम दूर ले गया। लिखिए आ गए। अरे अरे संभालो भाई, क्या कर रहे हो? अरे सर इतनी जगह पड़ी, तुम बीच में आ गए हो। अरे सर बीच में कहाँ, मैं साइड में खड़ा हूँ। आप तो रेल की तरह मतलब बड़े ही चले जा रहे हैं। कहाँ थे आप? इधर ही था। यहीं थे तो दिख क्यों नहीं रहे थे? यार मेरी गाड़ी खराब हो गई। सर झूठ बोल रहे हैं ये, क्या सबूत है आपके पास आपकी गाड़ी खराब हुई? यार अब गधे की तरह का पीठ पे इंजन लाद लाऊं? नहीं वो तो आपके ऊपर है, आप क्या करोगे, लेकिन हमें तो सबूत चाहिए ना। ओके ओके इनफ, आप शुरू कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही 10 मिनट लेट है। सॉरी सर मैं बिल्कुल तैयारी में हूँ। झूला वाला रख के अपना शुरू कर दीजिए। योनर फिर मैं केस की शुरुआत अपनी दो लाइनें से करूंगा जो मैं गाड़ी में सोचते आ रहा था। मुलाहिजा फरमाइए, आप सबके लिए है, बड़ा मजा आएगा। पहली लाइन की बुलबुल बोली दोस्त तुम सयाद हो। समझाना चाहूंगा, बुलबुल एक परिंदा होता है, सयाद एक शिकारी होता है जो बुलबुल के पीछे लगा रहता है। समझ के सुनिए, बड़ा मजा आएगा कि बुलबुल बोली दोस्त तुम सयाद हो, अरे पर कतर के कह दिया आजाद हो। इस केस में बुलबुल एक नौकरानी है लक्ष्मी और सयाद है ये शिकारी मिस्टर राघव। केस की डिटेल पेश करूं कि 25 फरवरी की रात को मिस्टर राघव गंगास के घर की खिड़की से गिरकर उस घर की नौकरानी लक्ष्मी की मौत हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके पूछताछ करके मिस्टर राघव को गिरफ्तार किया है। मैं इनसे कुछ सवाल करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है मिस्टर राघव। 25 फरवरी की रात आप कहां थे और क्या कर रहे थे? मैं अपने घर पर ही था, घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी, सबकी तरह मैं भी उसी पार्टी का एक हिस्सा था। वैसी काफी वक्त हो गया, मेरी भी उससे बात नहीं हुई। लक्ष्मी ये ग्लास रखो और एक और ड्रिंक लेके। जी साहब। तो क्या कह रहा था? एनीथिंग मोर बिजनेस? सो हाउ इज योर बिजनेस, सब अच्छा चल रहा है? या ओके जेंटलमैन, एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। श्योर। लक्ष्मी की जब खिड़की से गिर के मौत हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मेरी शर्ट पे ड्रिंक गिर गई थी, मैं अपनी शर्ट चेंज करने के लिए जा ही रहा था कि अचानक मेरा फोन आ गया और मैं फोन पे बात करने लगा। पॉइंट टू बी नोटेड योर हर, लक्ष्मी जब खिड़की से गिरी उस वक्त ये अपने कमरे में अपनी शर्ट चेंज करने जा रहे थे या कमरे के अंदर पहुंच गए थे? ऑब्जेक्शन योर हर। राघव कमरे की तरफ बढ़े थे लेकिन कमरे में गए थे या नहीं ये अभी तक प्रोसिक्यूटर साहब को पता नहीं है। सस्टेन। मैं समझा रहा हूँ, खोल रहा हूँ केस। सर खोल दीजिए, सर पूरा खोल दीजिए। सर तो एक सवाल है जो बहुत बहुत देर से मुझे केस पढ़ते वक्त सता रहा है, लक्ष्मी को आप पसंद करते थे या नहीं करते थे? लक्ष्मी हमारी मेड थी, वो अपना काम करती थी और तनख्वाह लेती थी, इसमें पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं आती। बात है पसंद नापसंद की बात है, लक्ष्मी को आप पसंद नहीं करते थे। और लक्ष्मी क्या योनर,
ये शख्स घर में काम करने वाले किसी भी नौकर को पसंद नहीं करता था। उसकी वजह ये थी क्योंकि अपने घर में काम करना किसी और व्यक्ति का बर्दाश्त ही नहीं करता था। ये चाहता था कि घर के लोग ही काम करें। इनकी पत्नी सोनाली घर में काम करे क्यों? क्योंकि ये बंदा पैसे की बर्बादी से बहुत डरता है, मतलब पैसे की बर्बादी हो जाती है। हमारे करेक्ट। आप लक्ष्मी को पसंद नहीं करते थे, आपके पड़ोसियों के बयान मेरे पास है, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं भैया। जाओ ना, जाओ चेक करें प्लीज। अब जारी रखिए। यस ऑनर, इन बयानों से साफ जाहिर है कि आप लक्ष्मी को पसंद नहीं करते थे, ये लक्ष्मी को पसंद नहीं करते थे। इन्होंने कई बार गुस्से में आकर उसको पीटने की कोशिश की और उस रात गुस्से में आकर इन्होंने लक्ष्मी को आकर खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। वो मर गई योर ऑनर। वो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ओवर। अरे अच्छा, हाँ कंटिन्यू पीपी। हाँ योर ऑनर, मैं इस बात को और खोलने के लिए इनकी पत्नी सोनाली को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। प्लीज आइए। सोनाली जी, उस रात आप भी वहां पार्टी में मौजूद थी। आप अदालत को बताइए कि आपकी नौकरानी लक्ष्मी से उस रात क्या गलती हुई थी। जी वो पार्टी में स्टुपिड, ये क्या किया तुमने, मेरी शर्ट खराब कर दी स्टुपिड। सॉरी साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो उनका हाथ। जस्ट शट अप। गलती खुद करती हो, इल्जाम किसी और पे लगाती हो, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। Gentlemen, excuse me, I'll be back in 2 minutes. Sure. Your Honor, उस रात लक्ष्मी की गलती नहीं होने के बावजूद मिस्टर राघव ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। अब आप अदालत को बताइए कि लक्ष्मी पार्टी छोड़कर कब और क्यों गई? लक्ष्मी पार्टी में हमारे साथ ही थी, वो तो मैंने ही उसे भेजा था। लक्ष्मी तुम टेंशन मत लो, तुम जानती हो ना साहब कितने गुस्से वाले हैं। एक काम करो, जाओ अभी जाके उनको सॉरी बोल दो। नहीं दीदी। अरे लक्ष्मी जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, जाओ। इनके बाद से जाहिर होता है कि लक्ष्मी मिस्टर राघव के कमरे में गई होगी और मिस्टर राघव ने उसको धक्का, गुस्से में आकर धक्का दे दिया। नहीं जज साहब, नहीं, ये सरासर झूठ है, इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर। अगर झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी, आप सुनने के लिए कान खुले रखिए प्लीज। सोनाली जी, आप बताइए कि आपके हस्बैंड लक्ष्मी को पसंद करते थे या नहीं करते थे? जी वो तो नहीं, हाँ या ना? नहीं। नहीं मतलब पसंद नहीं करते थे या करते थे? पसंद नहीं करते थे। आपके हस्बैंड उस पे हाथ भी उठा दिया करते थे? नहीं ये झूठ है, उन्होंने कभी लक्ष्मी पर हाथ नहीं उठाया। आपके पड़ोसियों के बयान के मुताबिक उठाया? वो लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार गुस्से में राघव ने उस पे हाथ उठाने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसे रोक लिया था, उन्होंने हाथ नहीं उठाया था। कोशिश पॉइंट टू बी नॉट एडमिट। मिस्टर राघव अपनी नौकरानी को पसंद नहीं करते थे और इन्होंने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। जो इंसान गुस्से में आकर किसी पर हाथ उठाने की कोशिश कर सकता है, वो हाथ उठा भी सकता है और गुस्से के इंतहा में वो आदमी उसकी जान भी ले सकता है। मामला साफ है, ये अपनी नौकरानी को पसंद नहीं करते थे, कई बार इन्होंने उसको पीटने की कोशिश की, मामला बिल्कुल साफ। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए केस का अंतिम फैसला सुनाया जाए। वीके, तुम्हें कुछ कहना है? ऑनर, मलिक साहब ने तो बहुत लंबा खेल लिया आज, किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। मुझे तो लगा कि आज फैसला भी यही ना सुना देगा। सर अब अगली बार मैं भी लंबा खींचूंगा, आप बीच में मत टोकना सर। योर ऑनर, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। वीके, जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो और पॉइंट पे आओ। यस सर, मैं पॉइंट पे आता हूँ। इनफैक्ट मैं मलिक साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो पॉइंट पे आए। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि
मिस्टर राघव अपनी मेड सर्वेंट को पसंद नहीं करते थे, उस पर हाथ उठाने की कोशिश की वगैरह वगैरह, मगर इन्होंने अभी तक एक भी सबूत ऐसा नहीं दिया है जो ये साबित कर सके कि मिस्टर राघव ने लक्ष्मी का खून किया। इनका तर्क ये है कि जब लक्ष्मी राघव के कमरे की तरफ बढ़ी उस समय राघव पार्टी में मौजूद नहीं थे। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि राघव ने लक्ष्मी का खून किया। मेरी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है योर ऑनर कि ऑफ कोर्स जिस समय लक्ष्मी राघव के कमरे की तरफ बढ़ी उस समय राघव पार्टी में मौजूद नहीं थे, मगर उस घर में कुछ और लोग भी थे जो पार्टी के लिए आए थे लेकिन पार्टी में मौजूद नहीं थे। कुछ और गेस्ट थे, कोई वॉशरूम गया था, कोई फोन से बात करने गया था, सब अपने अपने कामों से गए थे। तो क्या अब हम ये मान लें कि वो सब भी लक्ष्मी की मौत के जिम्मेदार हैं? उन सब ने मिलकर लक्ष्मी का खून किया? योर ऑनर, शक के बिना पे आप किसी से सवाल जवाब कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सजा नहीं सुना सकते। और योर ऑनर, क्या ये मुमकिन नहीं है कि लक्ष्मी ने आत्महत्या की हो? क्वाइट पॉसिबल। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, क्या आपके पास कोई एविडेंस है जो ये प्रूव कर सके कि लक्ष्मी ने आत्महत्या नहीं की है? सबूत बताइए। योर ऑनर, लक्ष्मी की लाश जिस पोजीशन में मिली है उससे बंगले की डिस्टेंस देख के पता चलता है कि लक्ष्मी को किसी ने धक्का दिया है, वो खुद नहीं गिरी। और अदालत में रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। ठीक है साहब, ठीक है यार, चलिए हम मान लेते हैं कि लक्ष्मी का खून हुआ है, लेकिन तब भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अभी तक ये साबित नहीं कर पाए, कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाए जो ये साबित करे कि राघव ने लक्ष्मी का खून किया। योर ऑनर, अभी तक जितने भी सबूत अदालत को दिए गए हैं उसमें साफ साफ मिस्टर राघव दोषी पाए जाते हैं। ठीक है साहब, एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिसमें ये दोषी नहीं पाए जाए। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अदालत आपको हिदायत देना चाहती है कि आपने जितने भी सबूत पेश किए हैं वो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे किसी को भी दोषी साबित नहीं किया जा सकता। मैं इसीलिए आपको ये हिदायत देना चाहता हूँ और आपको भी कि अगली हियरिंग में आप जो भी दलील करें उसको सबूत से सपोर्ट किया जाए। अगले महीने की 3 तारीख को इस केस की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट इज एडजर्न टिल देन। ये वीके पता नहीं कहां चला गया। मैम, सर और कहां गए होंगे? किसी केस के सिलसिले में गए होंगे, I'm sure. केस? उसे खुद नहीं पता वो कौन सा केस लड़ रहा है, और मुझे नहीं लगता हम ये केस जीत भी सकते हैं। मैम, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? I'm sure वीके सर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तुम्हारे वीके सर कुछ नहीं करने वाले, अगर करना होता ना तो बहुत पहले कर लेते त्रिशा, और कोर्ट से मुंह छुपाकर भागते नहीं। यहीं पे हूं मैं। ये सब क्या है वीके? क्या तुम मुझे बताओगे हम कौन सा केस लड़ रहे हैं? मैडम, अभी तक तो मुझे भी कुछ खास पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। लो, ये है तुम्हारे वीके सर, इनको खुद ही नहीं मालूम कि ये कौन सा केस लड़ रहे हैं। सर, वो आपने चार्ली को सबूत लाने भेजा है ना? हाँ, भेजा तो है, अब देखो वो क्या लाता है। तो राघव के खिलाफ कोई सबूतों का तोड़ मिला क्या? मिलेगा मिलेगा मैडम, जरूर मिलेगा, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। सर, एक डॉल मिली है। डॉल? यस सर। Please be seated. अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। Yes, Your Honor. जैसा कि मैं पिछली तारीख पर भी साफ कर चुका हूं, फिर से मैं दोहराऊं, मिस्टर राघव ने अपनी नौकरानी लक्ष्मी को अपने बेडरूम की खिड़की से धक्का देकर उसकी जान ली। इनके मिलने वाले इनके पड़ोसियों के बयान के मुताबिक ये अपनी नौकरानी को पसंद नहीं करते थे। गुस्से में आकर कई बार इन्होंने उसको पीटने की कोशिश की थी, और उस रात पार्टी में भी ऐसा ही हुआ था। अदालत के सामने मैं पेश कर चुका हूं सारे सबूत। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, होमवर्क करके आया कीजिए आप, प्लीज। आप होमवर्क करके आओ ना। चलो आप करो, काम की बात करो आप। सर, मैं तो काम ही की बात कर रहा हूँ। आप मुझे सिखाओगे काम की बात क्या होती है? बहुत बढ़िया बात है, चलो मैं सीख गया। अब आप बता दो कि उस रात क्या हुआ था, अदालत को बताओ, आप बताओ। चलो, बहुत कुछ हुआ था सर उस रात। आप मुझे बताइए कि लक्ष्मी को राघव के कमरे में जाते हुए उस पार्टी में किसने देखा था? वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा था, वहीं जा रही थी वो कमरे में। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, लक्ष्मी को कमरे की ओर जाते हुए सबने देखा था, लेकिन लक्ष्मी कमरे के अंदर थी ये किसी को नहीं पता। तो
आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि राघव के कमरे में नहीं गई, कहीं और गई थी? सब बताऊंगा सर, सब बताऊंगा। इससे पहले मैं योर ऑनर सोनाली से कुछ सवाल करना चाहता हूं, तो उसे विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। सोनाली जी, ये बताइए कि उस रात लक्ष्मी राघव के कमरे में क्यों गई थी और क्या लेकर गई थी? लक्ष्मी राघव से माफी मांगने गई थी, मैंने ही भेजा था उसे, और वहीं सोनू की एक डॉल पड़ी हुई थी, उसे लेके कमरे में रखने गई थी। डॉल? जी। तो कहाँ है वो डॉल? घर पर होगी। लक्ष्मी की मौत के बाद किसी ने उस डॉल को देखा? इतनी अफरा तफरी में ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। साहब, क्या वो डॉल, वो भेजान डॉल से, गुड़िया से आप सवाल जवाब करोगे क्या कोर्ट में बुला के? फटाफट करो यार, क्या चक्कर है? आपको कहीं जाना है क्या? और नहीं तो सर, आप इतनी जल्दी में बैठिए ना, आप तो मुकदमा लड़ रहे हो, रेस थोड़ी लगा रहे हैं। बैठिए बैठिए, आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। प्लीज प्लीज योर ऑनर, अब मैं इस अदालत के सामने एक ऐसा सबूत पेश करने जा रहा हूँ जिससे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और इस केस को एक नई दिशा मिल जाएगी। ये तो सोनू की डॉल है। यस सोनाली जी, ये वही डॉल है जो लक्ष्मी आपके कमरे में रखने के लिए गई थी। योनर, इस डॉल की हालत को देखिए, ऐसा लग रहा है किसी ने कुश्ती लड़ी इसके साथ, भूत बना दिया। मतलब जिसने भी इसकी हालत की है वो आदमी इंसान नहीं, हैवान है। डीजे साहब ने केस और आसान कर दिया। मतलब ये जैसा कि लक्ष्मी डॉल को लेके राघव साहब के कमरे में गई, राघव साहब पहले उससे गुस्से में नाराज रहते थे, हाथापाई हो गई होगी डॉल की, ऐसी हालत हो गई, लक्ष्मी को उठा के राघव जी ने खिड़की से बाहर। सर आप कमाल करते हैं, आप मेरी बात को पूरी तो होने दीजिए, आप पहले निकल जाते हैं। चलो चलो बोलो, आप ही बोलो, आप बंदूक लेके तैयार रहते हैं आप। पायल, अब आप मुझे बताइए, लक्ष्मी को राघव के कमरे में जाते हुए किसने देखा? आपने देखा? हाँ हाँ, कमरे में जाने के लिए बोल के गई तो भाई वहीं गई होगी और कहाँ जाएगी। ठीक है यार, लक्ष्मी राघव के कमरे में गई थी, क्या उस वक्त राघव अपने कमरे में था, आपने देखा? मैं कैसे देखूंगा भाई, मैं थोड़ा पार्टी में था। मैं, आप नहीं थे ना पार्टी में, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। प्लीज प्लीज। क्यों ना, राघव की शर्ट पे ड्रिंक गिरी, वो अपना शर्ट चेंज करने के लिए कमरे की तरफ पड़े, लेकिन कमरे में घुसे उससे पहले राघव को फोन आ गया, वो अपना फोन अटेंड कर रहे थे कमरे के बाहर से, और तभी लक्ष्मी की मौत हो गई। तो जिस वक्त लक्ष्मी की मौत हुई उस वक्त राघव अपने कमरे में थे ही नहीं। जरा एक काम करो, ये कह दो तो कि कमरे में क्या, पार्टी में नहीं थे वो, कहां थे वो? सर आपको यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात पे, ये विश्वास नहीं हो रहा है। मैं बता दूं, आप ये बताइए लक्ष्मी डॉल को लेकर पार्टी में कहां गई थी? बता चुके हैं, जब से वही बात चल रही है, राघव के कमरे में गई और कहां जाएगी? राघव से लक्ष्मी की हाथापाई, मारपीट, जो भी आप कह रहे हैं वो भी कमरे के अंदर ही हुई होगी। बिल्कुल हाँ, तो इनके वर्जन के हिसाब से कमरे में हाथापाई हुई लक्ष्मी और राघव के बीच, कमरे में ये डॉल रखने गई थी और कमरे से गिर के लक्ष्मी की मौत हो गई, तो फिर ये डॉल कमरे में मौजूद होनी चाहिए थी ना सर? लेकिन ये डॉल उस कमरे में मौजूद नहीं थी, ये डॉल उस घर की छत पे बने वाटर टैंक से मिली है हमें। अंकल, ये तो मेरी डॉल है, इसे किसने तोड़ा? मैं इसे कल से ढूंढ रही हूँ। ये डॉल मैं ले लूँ, आपको एक नई डॉल लाकर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। और योर ऑनर, इसीलिए हमें लगा कि यहाँ दाल में कुछ काला है। दाल काली नहीं है, दाल जल गई, इतनी गर्म कर दिया आपने। नहीं नहीं सर, दाल काली नहीं है, दाल में तड़का लगा है। योर ऑनर, लक्ष्मी ये डॉल लेकर राघव के कमरे में गई थी, तो फिर ये डॉल कमरे से ही मिलनी चाहिए थी। मुझे ये जानना है कि ये डॉल कमरे से निकल के ऊपर पानी की टंकी में कैसे पहुंच गई। योर ऑनर, इस केस में कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन वो सारे आधे अधूरे हैं। उन सबूतों की जांच करने के लिए, इस केस को तैयार करने के लिए हमें थोड़ा वक्त और चाहिए। ठीक है, इस महीने की 20 तारीख को कोर्ट की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट इज अडजर्न्ड। तो राघव अपने कमरे की ओर गया, पर उसको जाते जाते एक फोन कॉल आ गया।
और वो रुक गया और फोन पे बात करना शुरू हो गया, राइट? और अगर लक्ष्मी उस कमरे की खिड़की से गिरी तो फिर वो डॉल टेरेस पे कैसे आई? क्योंकि जहां तक हमें पता है वो डॉल तो सारा टाइम लक्ष्मी के साथ थी ना। नहीं, लेकिन डॉल कोई भी लेके गया हो, मगर कोई भी किसी भी डॉल को इतना बेरहमी से मसल के टंकी में क्यों फेंकेगा? और डॉल की हालत देख के ये पक्का पता लगता है कि ये किसी बच्चे का काम नहीं है। चार्ली, तुम क्या कर रहे हो? गाइस, याद है उस दिन मैंने एक जोकर की मौत के बारे में बात करी थी? हाँ, तो उसकी मौत के बाद मिले एविडेंस भी कुछ ऐसे ही है। मतलब सर कि जब जहां उसकी मौत हुई थी ना, वहां पे पुलिस ने जब छानबीन करी तो उनको एक बैग मिला, जिस बैग में बहुत सारी डॉल्स मिली, वो भी कुछ टूटी हुई हालत में, जैसे कि किसी ने जानबूझ के तोड़ी हो। स्ट्रेंज ना? चार्ली, वो जो जोकर की बात कर रहे हो, इसके खूनी का पता चला क्या? नहीं यार, अभी तक तो नहीं, तलाश जारी है। वैसे वो जोकर अनाथ था तो किसी ने उसकी पूछताछ भी नहीं करी। ये कहां हुआ ये सब? सच जान के हैरानी होगी, राघव के घर के ठीक सामने कच्ची रोड जाती है, बस उसी के पास में हुआ ये सब। हो सकता है कोई एक ही बंदा हो जो ये सब कर रहा हो। व्हाट नॉनसेंस, कोई डॉल्स के पीछे क्यों पड़ेगा? शायद इसलिए क्योंकि उसे डॉल से डर लगता हो। व्हाट? मैंने ऐसी ही एक बीमारी के बारे में सुना है, पीडियोफोबिया। इसमें अक्सर इंसान को डॉल्स या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डर लगता है और वो इसी डर के मारे कुछ भी कर सकता है। Really? ऐसा कैसे हो सकता है? देखते हैं मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है। Please be seated. कहाँ है भाई मिस्टर वीके? ठीक है, तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसिक्यूटर साहब, आप ही शुरू कीजिए कार्रवाई। बिल्कुल सर, फिर मैं दोहराना चाहूंगा कि एक बड़ा सीधा साधा सा केस है। और एक मिनट। सर, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को बताना चाहूंगा कि ये सीधा साधा केस नहीं है। राघव ने अपनी नौकरानी को अपनी खिड़की में से धक्का दिया, वो मर गई। और इनके खिलाफ इस केस को लेकर जितने सबूत हैं, किसी और के लिए सबूत क्या शक की गुंजाइश तक नहीं। That's all. Your Honor, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप देते जिम्मेदाराना बयान। सर, मैं तो वही करूंगा, पूरा होमवर्क करके आया हूं मैं। सर, अंकल जी को चेक करा दो, स्टार्ट भी ले लो होमवर्क पे। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अदालत का लिहाज कीजिए। यस। Your Honor, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक मर्डर का केस नहीं है। तो मतलब ये कि ये मल्टीपल मर्डर केस है, ये एक साइको किलर वाला केस है। मेरी आ गई सर, को जूता उता सुमाओ कोई। क्या हुआ सर, इनकी हरकतों से कभी कभी यही मुझे साइको लगते हैं। गुड़िया बुड़िया तो पसंद नहीं है ना आपको, उनसे तो नहीं खेलते ना आप कभी। अरे पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ, पानी 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 पीजिए, पानी। नहीं, आपके हाथ से नहीं पीवा रहे लोग, क्योंकि डिफरेंस लोग ने महिला को पानी पिला दी। आप दे दो यार जल्दी। थैंक यू।
ओके सॉरी 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 अच्छा सीधी बात नो उपहास सॉरी सॉरी आप शुरू कीजिए योर ऑनर सीधी बात नो उपहास करने से पहले मैं इंस्पेक्टर घटोत्कच से कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगा इजाजत है घटोत्कच जी आप ये बताइए कि जिस रात आपको लक्ष्मी की डेड बॉडी मिली उसी रात आपको बगल के गली में एक और डेड बॉडी मिली थी और कुछ सबूत मिले थे करेक्ट है जी सर उस रात मिस्टर राघव के घर के पास एक कच्ची सड़क पर एक जोकर की लाश मिली थी सर यहाँ पर सिर्फ ये बैग और ये गुड़िया मिली बैग के अंदर क्या है सर सारी ऐसी टूटी फूटी गुड़िया ही थैंक यू इंस्पेक्टर थैंक यू Your Honor, this is Gudiya connection. Oh, interesting. मुझे लगता है यार मैं पागल हो जाऊंगा मैं गुड़िया हो जाऊंगा सर क्या Your Honor, लगता है इन्होंने चूर्ण गलत खा लिया है सुबह सुबह क्या कब होंगे आप गुड़िया ठीक कब होंगे आप अभी हो जाऊंगा ठीक हो गया आगे बढ़ाएं सर बात इस सब से तुम साबित क्या करना चाहते हो Honor, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि एक रात को दो डेड बॉडीज मिलती है दो मर्डर होते हैं और दोनों ही केसेस में एक चीज कॉमन है ये डैमेज्ड गुड़िया अब आप ही बताइए सर कि कोई भी इन डॉल्स को इतनी बुरी तरह से डैमेज क्यों करेगा Honor, जहां तक लक्ष्मी की मौत का सवाल है जहां से हमें वो डॉल मिली उससे साफ पता चलता है कि ये किसी बच्चे का काम तो नहीं हो सकता इन दोनों मर्डर्स के पीछे किसी एक आदमी का हाथ क्या आपका कहने का मतलब क्या वो गुड़िया क्या कोई सोने की थी उस पर हीरे जड़े हुए थे कि उसको पाने के लिए कोई किसी का खून कर देगा बीके अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उसे पेश करो मुद्दे पर आओ और मुद्दे पे आने के लिए मैं पहले सोनाली जी को विटनेस बॉक्स में फिर से बुलाना चाहूंगा यस यस कॉलर आइए मैम सोनाली जी ये बताइए कि उस रात आपकी पार्टी में जो जो लोग आए थे आप उन सबको जानती हैं हाँ सभी हमारे जानने वाले थे सब टाइम से आ गए थे हाँ सभी आ गए थे टाइम से नहीं मैंने सुना पार्टी थोड़ी लेट शुरू हुई थी अच्छा हाँ वो मेरे देवर हैं आलोक वो लेट आए थे उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी इसलिए थैंक यू आप ही पूछ लीजिए सवाल मुझे नहीं पूछने सवाल वीके आर यू ऑलराइट यस मैं एक एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं सर यस ऑफ कोर्स दिस कोर्ट इज इन रिसेस फॉर वन आवर कोर्ट शुरू होने से पहले वीके सर आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं आइए हमारे साथ अच्छा चलो आइए आइए वीके आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया अभी मैडम ये केस बिल्कुल हाथ से निकलता जा रहा है क्या सर ये सब किस लिए ये सब एविडेंस वगैरह है नहीं नहीं आप घबराइए मत मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अब हम क्या करेंगे अगर अभी से आप हारने की बातें करने लगेंगे तो हमारा क्या होगा देखिए मैडम मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना मैं करूंगा आप ऐसा करिए आप मेरे साथ चलिए कुछ वो पेपर्स हैं उस पर आप साइन कर दीजिए बहुत जरूरी पेपर्स चल आलोक हाँ
आप यहाँ रुक जाओ। मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, वो आज आपको कोर्ट में गवाही देनी है और हो सकता है आपकी गवाही से आपका भाई बच जाए, तो आप यहीं रुकिए, मैं आके बताता हूँ क्या स्टेटमेंट देना है। आइए मैडम जल्दी। जी यहीं रुकना आलोक। वीके ये तो बताओ तुम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? योर ऑनर पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिर मैंने अपने असिस्टेंट चार्ली को मिस्टर राघव की बिल्डिंग में भेजा। उसे छत पे गुड़िया तो मिली मिली, एक और बात भी पता चली। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खिड़की से नहीं बल्कि उससे थोड़ा ऊपर यहाँ छत से गिरी हो। और उसी समय योर ऑनर मैंने फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट को फोन किया। लक्ष्मी की लाश पे एक सफेद पाउडर मिला था। जांच के बाद पता चला कि वो सफेद पाउडर सीमेंट था। अब चूंकि मिस्टर राघव की खिड़की पे तो कांच है, स्लाइडिंग विंडो है, तो वहां पे तो सीमेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मैंने छत पे चेक करवाया, छत पे सीमेंट भी मिली और खून के धब्बे भी मिले। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि वो खून लक्ष्मी का ही था। लेकिन लक्ष्मी तो वहां राघव के कमरे में जा रही थी ना, फिर वो टेरिस पे कहां से पहुंच गई? हाँ सर, वो राघव के कमरे में जा रही थी लेकिन बीच में उसको सोनू मिल गई। लक्ष्मी आंटी, क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए आपको? चाचा को बुलाना जरा। कहाँ पर है चाचा? चाचा ऊपर छत पे। ठीक है, आप अंदर जाओ, मैं बुलाकर लाती हूँ। ठीक है। योर ऑनर, लक्ष्मी तो ऊपर आलोक को बुलाने गई थी लेकिन उसके हाथ में गुड़िया थी और छत पे अंधेरा था और इस वजह से आलोक उससे डर गए। और यहाँ पर नीचे मिस्टर राघव अपने कमरे में दाखिल होने ही वाले थे कि उनको फोन आ गया। और वो फोन अटेंड करने बाहर ही रुक गए। अच्छा, और वो जोकर कहां से बीच में आ गया था? अब ये तो मिस्टर आलोक खुद ही बताएंगे। कोई मदद चाहिए क्या? इसीलिए आलोक अपसेट हो गए
और छत पे चले गए। और जब लक्ष्मी उन्हें बुलाने गई तो उसके हाथ में डॉल थी और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए। साहब, नीचे सोनू बेबी आपको बुला रही है। साहब, मैं आता हूँ, जाओ तुम। साहब चलिए ना नीचे, कब से आपको ढूंढ रही है, वो आपकी वेट कर रही है। अरे मैंने बोल पीछे जाओ। साहब क्या हुआ? साहब पीछे जाओ, मेरे पास में तो पीछे जाओ, जाओ लेके सो। साहब क्या हुआ आपको? क्यों मेरे सामने आ रही हो? मैं क्यों ना आ जाऊँ? साहब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, आ रही हूँ। साहब तू ले जाओ, घर पे चलिए। साहब साहब चलिए। वाह, सुपर्ब वीके, यू आर जस्ट सुपर्ब। थैंक यू सर। आलोक साहब एक बात बताओ यार, ये बेचारी गुड़ियों ने आपका क्या बिगाड़ा था भाई? मलिक साहब, इसमें इनकी गलती नहीं है। दरअसल योर ऑनर, ये एक तरह की बीमारी है जिसमें इंसान को डॉल से या इस तरह की निर्जीव वस्तुओं से डर लगने लगता है और इसका संबंध बचपन से। अगर बचपन में आलोक से इस बारे में बात की गई होती और इनका ये डर मिटा दिया गया होता तो आज हमें शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या बात है वीके, ऐसी बीमारी के बारे में तुम्हें इतनी नॉलेज कहां से मिली? योर ऑनर, मेरी असिस्टेंट त्रिशा से पता चला, उसी ने मुझे एनलाइटन किया।